हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन, माई सेल्फ हिमांशु। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे इसकी दूसरी ब्रांच गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए जानते हैं गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा, और साथ ही हम जानेंगे इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट, डायरेक्ट एडमिशन, एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस और कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट और भी ढेर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली एनसीआर में गलगोटिया कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसके मुकाबले गलगोटिया यूनिवर्सिटी की थोड़ी कम डिमांड है। इसका एक रीज़न हम बोलें तो ये भी हो सकता है कि गलगोटिया कॉलेज AKTU यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो इस वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा अप्रोच करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं दिल्ली NCR में एक अच्छा कॉलेज जिसमें आप अपनी BTech करके अपने करियर को और अच्छे से बिल्ड कर पाएँ, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रहेगा। आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एडमिशन गलगोटिया कॉलेज में नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपका एडमिशन गलगोटिया कॉलेज में हो जाए। नहीं होता है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। गलगोटिया कॉलेज के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में सारी बातें बताई हैं। आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन हम बात ज़रूर करेंगे। सो अब हम बात करते हैं इसके कैंपस लाइफ के बारे में। इसका कैंपस देखने में काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी बड़ा है। अगर हम एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे हमारी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी बीत सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की या फिर डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस की, जो सबसे ज़रूरी है इस टाइम पे, इस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं, जो आपका जेई मेन की परसेंटाइल और 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पे UPSC की काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन कराते हैं। सीट यहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन हो जाती है। तो अगर आप चाह रहे हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, डायरेक्ट एडमिशन लेने का, आपको कुछ परेशानी आ रही है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, आपके एडमिशन में हम ज़रूर सहायता करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस डिटेल में मैं बताऊंगा वीडियो में थोड़ा आगे। अगर हम बात करें इस कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, लगभग 5 लाख में आपकी 4 साल की BTech कंप्लीट हो जाती है। तो देखा जाए तो इतना हाई नहीं है और कॉलेजेस के मुकाबले। BTech के अकॉर्डिंग आप 4 साल में 5 लाख रुपए इज नॉट इनफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। सो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू इफ यू वांट अ कॉलेज इन दिल्ली NCR और नियर बाय योर हाउस। सो यू कैन अप्रोच गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इस कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे, क्योंकि उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में। तो इस कॉलेज की प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये कॉलेज इसी वजह से ज़्यादा फेमस है कि यहाँ की प्लेसमेंट आपको अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ आपको पैकेज वो मिलता है जो एक स्टूडेंट चाहता है। एक एवरेज पैकेज भी हम देखें तो 4 से 5 लाख के बीच में आपको एवरेज पैकेज ज़रूर मिलता है। प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 100% प्लेसमेंट देने की इनकी कोशिश रहती है। अगर आप सोच रहे हैं एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को अप्रोच ज़रूर कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं, दोनों में मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट आप दोनों ही कॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं। पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को अप्रोच कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता है तो आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस और गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस। तो गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि गेट एडमिशन आपका एडमिशन कराने में हेल्प करता है। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या फिर नीचे हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अपने सवाल, और आपके एडमिशन की जो आपकी समस्या है उसका समाधान ज़रूर करेगी हमारी टीम। और हाँ, मैं काफ़ी वीडियोस से नोट कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन आएगी ना और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की, अपग्रेड करने का अपने आप को। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।